पिछले कुछ दिनों से सीएमए कम्युनिटी में बहुत ज्यादा हलचल मच रखी है। सीएमए इन प्रैक्टिस, इन एम्प्लॉयमेंट एंड इवन स्टूडेंट्स, हर कोई परेशान हो रखा है ये सोच के कि शायद हमारा स्कोप, हमारी वैल्यू कम की जा रही है। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं ये बोल के कि मैम शायद हमको ये कोर्स लेना ही नहीं चाहिए था। मतलब बहुत ज्यादा रूमर्स और कन्फ्यूजन चल रहे हैं, और इन सब की शुरुआत हुई जब एमसीए ने यह रिपोर्ट पब्लिश किया। ये रिपोर्ट बेसिकली एक कमेटी का रिपोर्ट है जिसमें इस कमेटी ने रिव्यू किया है कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और कॉस्ट ऑडिट के एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क को और कुछ सजेशंस दिए हैं। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड यार कि ये सिर्फ और सिर्फ सजेशंस हैं, अभी ये एप्लीकेबल नहीं हुए हैं। एमसीए इन सजेशंस को रिव्यू करेगा, जो सही लगेगा उसको अप्लाई करेगा। इन दैट केस अभी जो भी सजेशंस आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रपोज्ड हैं, एग्जिस्टिंग जो भी एप्लीकेबल है उसको चेंज अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन इस रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कंसर्न क्रिएट करते हैं। जैसे अगर आप देखो तो कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होता है टर्नओवर की लिमिट्स के हिसाब से। तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन के अंदर वो सारे कंपनीज जो रेगुलेटेड सेक्टर या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर कवर्ड है और उनका ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ और मोर है, तो उनके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल हो जाता है। और वहीं एग्जिस्टिंग प्रोविजन के अंदर कॉस्ट ऑडिट के लिए टर्नओवर लिमिट रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की अलग अलग दी हुई है। मतलब वो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर कवर्ड है उनका एग्रीगेट टर्नओवर 25 करोड़ और मोर होना चाहिए, और वहीं जो कंपनी ये रेगुलेटेड सेक्टर वाले प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रही है उनका ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ और मोर होना चाहिए, तब कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होता है। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की लिस्ट में जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कवर्ड हैं उनका एग्रीगेट टर्नओवर 35 करोड़ और मोर और ओवरऑल एनुअल टर्नओवर कंपनी का 100 करोड़ और मोर होता है, तब कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल की जाती है। ये एग्जिस्टिंग प्रोविजन है। लेकिन कमेटी ने क्या सजेस्ट किया कि यार कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट दोनों के लिए अलग अलग लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, साथ ही साथ ये रेगुलेटर और नॉन रेगुलेटेड को भी अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। मतलब सिर्फ एक लिमिट वो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके थ्रू कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा। अब ये लिमिट कितनी है पता है? 75 करोड़ और मोर। मतलब अगर आप देखो तो वो प्रोडक्ट्स जो रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड के अंदर कवर्ड होते थे उनकी कॉस्ट रिकॉर्ड के अंदर 35 करोड़ की लिमिट होती, कॉस्ट ऑडिट के अंदर 25 या 35 की होती, और आज अब उसको बढ़ाया जा रहा है डायरेक्टली टू 75 करोड़ और मोर, जो एक बहुत ही बड़ा चेंज है। मतलब ऐसा रीज़न दिया जा सकता है यार कि 2014 में लिमिट बनाई गई थी, अब 2025 में एप्लीकेबल होगा, तो इतना चेंज तो इन्फ्लेशन की वजह से चलता है। बट द थिंग इज, ये चेंज आपको धीरे धीरे टाइम के साथ करना चाहिए था ना। आप एक बार में उठा के इतना बड़ा चेंज लेके आ जाओगे इन्फ्लेशन के चक्कर पे तो नहीं चलता, आपको विद टाइम हर बार करना चाहिए था। एकदम अचानक से ये एप्लीकेबल तो नहीं कर सकते ना। तो सोच के देखो यार, मतलब ये लिमिट्स एप्लीकेबल अगर होती हैं तो उससे जस्ट पहले तक हर एक कॉस्ट ऑडिटर के पास 35 करोड़ से लेके आगे तक की सारी कंपनीज थी। लेकिन अब जब ये लिमिट अगर एप्लीकेबल हो जाती है तो उसके बाद 35 से 75 करोड़ का जो कैप था वो वाले कंपनीज तो पूरी तरीके से हट गई और उसके आगे की अब मेरे पास अवेलेबल होगी। तो एट द एंड एक कॉस्ट ऑडिटर का स्कोप थोड़ा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑफकोर्स ये बात है इस लिमिट की वजह से हो रहा है। बट द थिंग इज, अब हमको एज अ स्टूडेंट ये लिमिट बढ़ा दी गई इसके लिए टेंशन लेना चाहिए क्या? आंसर इज नो। देखो यार, हम स्टूडेंट्स में से कई सारे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो ऐसे ही होने वाले हैं जो एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, और अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हो तो ये लिमिट आपको कुछ भी अफेक्ट नहीं करने वाली। वहीं अगर आप प्रैक्टिस में जाते हो तो हाँ, ये लिमिट से अफेक्ट पड़ सकता है। बट द थिंग इज, विद टाइम कंपनीज भी ग्रो करेंगी, ये बात आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कंपनीज एक जगह पर रुक जाएंगी, कंपनीज भी ग्रो करने वाली है, और कंपनीज अगर ग्रो करेंगी तो 75 करोड़ का भी लिमिट ज़्यादा बड़ा हमको नहीं लगने वाला। और एट द एंड अगर आप देखो तो ये भले थोड़ा बहुत स्कोप को कम कर रहा हो, लेकिन इसके आगे अगर आप कमेटी के रिपोर्ट को देखोगे तो सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, और उनको भी कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर हमको अभी एज अ स्टूडेंट क्या करना चाहिए? अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। और इसके लिए मैं यहीं पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी यार कि कॉस्ट अकाउंटिंग और OMSL के क्लासेस मैं लेके आने वाली हूँ फॉर CMA इंटर, जिसका पूरा डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आई सजेस्ट यू कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो @CMAJunction, ताकि आपको सारी अपडेट्स रिलेटेड टू कोर्सेज मिलते रहे, ठीक है ना। ये तो हो गए नेगेटिव पॉइंट, और अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो सबसे पहली बात तो यार, रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड की जगह कमिटी ने सजेस्ट किया कि इसकी एक ही लिस्ट होनी चाहिए। अब अगर आप देखो तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन के अंदर टोटल 39 सेक्टर्स रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड की लिस्ट में कवर्ड हैं, लेकिन कमेटी ने सजेस्ट किया कि इसमें से 4 सेक्टर्स को रिमूव कर दो
और अगर चार सेक्टर्स रिमूव होंगे तो हमारा स्कोप कम होगा? आंसर इज यस, बट द थिंग इज चार को रिमूव करने के साथ साथ कमिटी ने 16 सेक्टर्स को इंक्लूड करने का भी सजेशन दिया है, जो एक बहुत ही वेलकमिंग सजेशन है और हमारे लिए ये हमारे स्कोप को चार गुना बढ़ा रहा है। चार को हटा के 16 लगा दिए यार, तुम्हारे लिए बताओ कितनी अच्छी बात है, है ना? ना कौन कौन से सेक्टर्स रिमूव किए गए हैं, कौन से इंक्लूड किए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। साथ ही साथ कमेटी ने बोला कि यार कॉस्ट रिकॉर्ड अभी एग्जिस्टिंग प्रोविजन के अंदर CTA कोड के हिसाब से बनती है। मतलब लेट से CJ लिमिटेड पैरासिटामोल प्रोडक्ट बना रहा है, इसका CTA कोड है ये, इन दैट केस पैरासिटामोल के लिए कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाएगी इस CTA कोड के अंदर, एक ही कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। बट द थिंग इज अगर आप इसके अंदर देखो तो इस पैरासिटामोल के डिफरेंट MG वाले प्रोडक्ट्स अलग अलग बिकते हैं, इन दैट केस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है एक ही CTA कोड के अंदर। तो कमिटी ने सजेस्ट किया यार कि जो भी मेजर सेलेबल प्रोडक्ट होगा एक CTA कोड के अंदर, उसके लिए अलग अलग कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। मतलब 5% से ज़्यादा टर्नओवर वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उसके लिए मैं अलग अलग कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बना रही होंगी, तो इसका इसका और इसका अलग अलग कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनेगा, वहीं जो 5% से कम वाले हैं उनका कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट एक साथ बनेगा। तो सोच के देखो एज अ कॉस्ट ऑडिटर आपका काम यहाँ पर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, स्कोप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। ऑफ कोर्स ये बात है, ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है और वेलकमिंग पॉइंट है। नाउ इसी के साथ साथ अपॉइंटमेंट रिमूवल रोटेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर फिक्सिंग अ कैप सेम तरीके से किया जाएगा जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए एप्लीकेबल है, जो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर हम रोटेशन की ही बात कर ले यार, तो देखो आज की डेट में क्या होता है, कॉस्ट ऑडिटर अगर एक कंपनी के साथ जुड़ गया और ये कंपनी का जो बोर्ड्स है उनको ये कॉस्ट ऑडिटर का काम बढ़िया पसंद आ रहा है, जो जो बोर्ड बोलते हैं वो कॉस्ट ऑडिटर कर देता है, तो ये कंपनी और ये कॉस्ट ऑडिटर दोनों मस्त आराम से अपना काम चलाते रहेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। मतलब सेम कॉस्ट ऑडिटर उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे बोर्ड बोले जा रही है। लेकिन अगर रोटेशन एप्लीकेबल जो आता है तो इससे ये होगा कि पहली बात तो नए कॉस्ट ऑडिटर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, साथ ही साथ ये जो बोर्ड बोल रहा है वही कॉस्ट ऑडिटर कर रहा है, वो चीज़ें थोड़ी कम हो पाएंगी, जो एक एक्चुअली एक वेलकमिंग ऑप्शन है और नए कॉस्ट ऑडिटर्स के लिए अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट कर रहा है। ठीक है ना, डिस्क्लोजर इन एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट के अंदर सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स एंड की कॉस्ट ट्रेंड्स का इंक्लूजन करने के लिए बोला गया है, जिसके थ्रू हमारा एज अ कॉस्ट ऑडिटर स्कोप बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ साथ कमिटी ने बहुत ही बढ़िया सजेशन दिया है कि आज के डेट में कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और कॉस्ट ऑडिट सिर्फ कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। इन्होंने बोला कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, ऑटोनोमस बॉडी, अदर अथॉरिटी जिनको सब्सिडी, इंसेंटिव, ग्रांट मिल रहा है फ्रॉम गवर्नमेंट्स, उनको तो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और कॉस्ट ऑडिट के अंदर इंक्लूड करना ही चाहिए, जो एक बहुत ही बढ़िया मूव है जिसके थ्रू आपका एक बहुत बड़ा जंप आ सकता है स्कोप में। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट के चलते हैं, जो भी 100 करोड़ और मोर के होंगे, उसके अंदर भी कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और कॉस्ट ऑडिट को अप्लाई करने के लिए सजेशन दिया गया है। तो मतलब देखो यार, सिर्फ 75 करोड़ की एक लिमिट बढ़ा दी गई, लेकिन उसके अलावा कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हारा स्कोप एट द एंड बढ़ रहा है। तो हम सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट को पकड़ के टेंशन नहीं ले सकते, ये रिपोर्ट एट द एंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा हमारे स्कोप और वैल्यू को बढ़ा रही है। स्टूडेंट्स का कंसर्न क्या है पता है कि मैम चलो ठीक है, कमिटी ने तो अच्छा अच्छा बोला, कुछ जगह हमारा कम किया तो बहुत सारी जगह बढ़ाया भी, ठीक है, पर मैम फिक्की ने क्या बोल दिया, फिक्की के ने कमेंट ने तो हमको परेशान ही करके रखा है। तो भाई साहब सबसे पहले तो ये समझो कि फिक्की है क्या। फिक्की एक ओल्डेस्ट एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। फिक्की आज की डेट में इंडिया के बिजनेस और इंडस्ट्री की वॉइस है। मतलब फिक्की जो बोल रहा है वो सिर्फ अपने व्यू पॉइंट नहीं रख रहा, वो आज की डेट में जो भी बिजनेस और इंडस्ट्री बोल रहे हैं उनके व्यू पॉइंट को रख रहा है। इन दैट केस फिक्की ने जो भी बोला वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमको उसको कंसिडर करना चाहिए। फिक्की ने बोला क्या क्या है उसको समझते हैं। देखो, कॉस्ट ऑडिट इंट्रोड्यूस किया गया था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी, प्राइस कंट्रोल और चेक के लिए। आज के डेट में मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया, तो एक्सेसिव प्राइसिंग पॉसिबल नहीं है जैसे इंडिपेंडेंस के टाइम पर थी, है ना? इस पॉइंट से तो हम भी एग्री करते हैं कि बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, एक्सेसिव प्राइसिंग पॉसिबल नहीं है। अब इसके आगे फिक्की बोल रहा है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स कंपनीज वॉलेंटरीली ही बना लेती हैं, इसीलिए हमको मैंडेटरी कॉस्ट ऑडिट को एप्लीकेबल नहीं कराना चाहिए। मैंडेटरी कॉस्ट ऑडिट की वजह से कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज आता है और फिक्की का सजेशन है कि कॉस्ट ऑडिट रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से वेव ऑफ कर देना चाहिए। हम ये तो मानते हैं यार कि एक्सेसिव प्राइसिंग आज की डेट में पॉसिबल नहीं है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है, बट द थिंग इज क्या कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिव प्राइसिंग के लिए की जाती है क्या? आंसर इज नो, बहुत सारे अलग अलग एरियाज हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसी रिपोर्ट के अंदर देख लो, डिफरेंट कमिटीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने व्यूज रखे हैं। आप
CBIC, इलेक्ट्रिसिटी कमीशन, डिफेंस, ऑल इंडिया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एसोसिएशन ने डिफरेंट इंडस्ट्रीज बताए हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट आज की डेट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हमारी इंस्टीट्यूट ने डिफरेंट एरियाज बताए हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट आज की डेट में अप्लाई किया जाता है। मतलब बहुत सारे अलग अलग एरियाज हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि एक्सेसिव प्राइसिंग पॉसिबल नहीं है तो मैंडेटरी कॉस्ट ऑडिट को हटा दो। साथ ही साथ कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स वॉलेंटरीली बनाती हैं, बट द थिंग इज ये जो वॉलेंटरीली कॉस्ट रिकॉर्ड बना रही है कंपनीज वो कितने सही है कैसे पता चलेगा। जैसे लेट्स से मेरी कंपनी है भाई साहब, तो मेरे को जैसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने होंगे जिस तरीके से गवर्नमेंट को दिखाना होगा मैं वैसे दिखाऊंगी फिर, है ना। मेरे को जो लगेगा इंक्लूड करना है, जो लगेगा इसको हटा दो, तो मैं वैसे वैसे रिकॉर्ड्स बनाने लग जाऊंगी। और अगर इस टाइप के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं तो क्या ये रिलायबल है, क्या ये ट्रांसपेरेंट है? आंसर इज नो। और इसीलिए कॉस्ट ऑडिट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट ही चेक कर सकता है कि ये जो सारे रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं वो ट्रांसपेरेंट और रिलायबल है कि नहीं। और इसके लिए कॉस्ट ऑडिट की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इस रिपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज होता है ऐसा फिकी ने बोला, तो हमको समझना पड़ेगा यार कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज कब आता है। जब ये रिपोर्ट कॉम्पिटिटर्स के पास शेयर हो रही हो तो हमारी सारी मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉम्पिटिटर के साथ शेयर हो जाएगी, तो कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज आएगा। बट द थिंग इज जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाई जा रही है वो तो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ शेयर होती है, ये तो कॉम्पिटिटर्स के साथ शेयर ही नहीं की जा रही, तो कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज कैसे अराइज होगा, है ना। ना साथ ही साथ अगर आप देखो तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए भी सजेशन मांगा गया था फिकी से कि इसके अंदर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अप्लाई करनी चाहिए कि नहीं, तो इन्होंने बोला कि डिटेल्ड इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन स्टैट्यूटरी ऑडिटर दे देता है, इसीलिए फिकी का सजेशन है कि कॉस्ट ऑडिट अप्लाई नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप देखो तो इन्होंने बोला कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन्वेंट्री वैल्यू कर देता है, सेगमेंट मार्जिन कर लेता है, अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अपने ऑडिट में बता देता है, साथ ही साथ किस तरीके से बुक्स अकाउंट मेंटेन किए गए हैं उसके ऊपर भी कमेंट कर देता है। इन दैट केस एडिशनल रिक्वायरमेंट कॉस्ट ऑडिट की नहीं डालनी चाहिए क्योंकि इससे डुप्लीकेशन हो रहा है। अब इस पॉइंट को तो मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि कमिटी ने खुद अपनी रिपोर्ट में बता दिया है कि वन हैज टू अप्रिसिएट फाइनेंशियल अकाउंट्स इनफ नहीं होते हैं फुल पोजिशन बताने के लिए। फाइनेंशियल अकाउंट्स भले हमें नेट और फाइनल रिजल्ट बता सकते हैं बिजनेस का, टोटल इनकम को टोटल एक्सपेंडिचर से मैच कर सकते हैं, बट द थिंग इज ये अकाउंट्स प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं होते। प्रोडक्ट का कॉस्ट, हर एक प्रोडक्ट में कितना मार्जिन है, ये फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर रिवील नहीं होता। कॉस्ट अकाउंट्स जब हम बनाते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स और उनका ऑडिट जब किया जाता है, तो इससे क्लोज एनालिसिस मिलता है हमें सोर्स ऑफ इनकम का, इफेक्टिवनेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज, ये हमको पता चलता है विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट। तो कमिटी खुद मान रही है कि यार जो फिकी ने कमेंट किया है उसमें कई सारी चीजें सही नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल ऑडिट की अपनी इंपॉर्टेंस है, कॉस्ट ऑडिट की अपनी इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ फिकी ने बोला कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो कॉस्ट ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर का ही देता है, तो कॉस्ट ऑडिट की क्या जरूरत है। तो इसके लिए भी कमेटी ने बोला कि जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक बनाई जाती है, हर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, साथ ही साथ वर्क इन प्रोग्रेस पूरा का पूरा कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में शो किया जाता है। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है कि कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन के लिए किस टाइप का मेथड इस्तेमाल किया गया है। वहीं अगर आप फाइनेंशियल अकाउंट्स को देखो तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में मोस्टली वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। मतलब कमेटी भी ये मानती है कि इन्वेंट्री के वैल्यूएशन ज्यादा सही तरीके से कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में किया जाता है, ज्यादा डिटेल तरीके से, है ना। साथ ही साथ सच्चर कमेटी एक बार फॉर्म की गई थी, ये सच्चर कमेटी ने रिकमेंड किया कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री किससे कराना चाहिए, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट से। और ये रिकमेंडेशन को कंसिडर करके फाइनेंस एक्ट 2023 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर सेक्शन नंबर 142(2)(a) में असेसिंग ऑफिसर को अगर जरूरत पड़ रही है कहीं पे भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन की, तो वो असेसिंग ऑफिसर वो असेसी को बोलेगा कि भाई साहब तुम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कराओ किससे, कॉस्ट अकाउंटेंट से। तो फाइनेंस एक्ट, MCA, ये सच्चर कमेटी, इन सब ने समझा कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट अकाउंटेंट्स के जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर ज़्यादा डिटेल में किया जाता है। तो इससे हमको एक बात तो ये समझ आ रही है यार कि जो कॉस्ट ऑडिट हो रहा है वो जैसा फिकी ने बोला कि डुप्लीकेशन हो रहा है, डुप्लीकेशन तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कॉन्ट्ररी है, तो देखो यार जितने भी कंप्लायंसेज हैं वो आप फिर ऐसे ही बोल सकते हो कि ये तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कॉन्ट्ररी है, क्योंकि हर एक कंप्लायंस की वजह से बिजनेसेस को तकलीफ होती है, है ना। तो ऐसा स्पेसिफिकली एक कॉस्ट ऑडिट को पकड़ के नहीं बोला जा सकता कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को के कॉन्ट्ररी काम कर रहा है ना। एडिशनली सच अ प्रैक्टिस डज नॉट एग्जिस्ट इन मोस्ट डेवलप्ड मार्केट्स, ये भी बोला फिकी ने।
तो देखो यार, भले डेवलप मार्केट्स में आज की डेट में कॉस्ट ऑडिट ना हो, बट द थिंग इज उनका इकोनॉमी, उनकी कंट्री अलग है, हमारा इकोनॉमी अलग है. क्या उनके यहाँ जो सारे लॉज है वो सारे लॉज हमारे यहाँ एप्लीकेबल है क्या? आंसर इज नो. उनके यहाँ अलग तरीके से कॉस्ट को ट्रैक किया जाता है, हमारे यहाँ कॉस्ट ऑडिट की मदद से किया जा सकता है. तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं है तो यहाँ भी एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए. और अगर आप देखो तो जितने भी पॉइंट्स विकी ने बोले, मैंने सबका कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट यहाँ पे बता दिया, और आप ये सारे के सारे पॉइंट्स को मानोगे भी. बट द थिंग इज, क्या हम जाके अब विकी से लड़ेंगे क्या कि भाई साहब तुमने ऐसा कैसा बोल दिया, ये सब तो होता ही नहीं है? बिल्कुल नहीं. सोच के देखो यार, आज की डेट में सारे बिजनेस और इंडस्ट्रीज यही बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑडिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्लायंस बढ़ा रहा है, डुप्लीकेशन कर रहा है, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है. हमें समझना पड़ेगा कि कुछ तो यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ तो चीज़ें गलत हो रही है ना. हमको एज अ कॉस्ट ऑडिटर हम क्या कर सकते हैं? हम जब भी कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट बनाएं तो उसको सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस के लिए ना बनाएं. कोशिश करो कि जो भी आप कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चल रही है उसको कंपनी को बताओ, ताकि उसके डिसीजन मेकिंग में, उसके ग्रोथ में हेल्प हो. और अगर एट द एंड इस रिपोर्ट की मदद से कंपनी की हेल्प होगी तो वो भी मानेंगे कि हाँ, कॉस्ट ऑडिटर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल है. सिर्फ एक जगह से वैल्यू मिलने से काम नहीं चलता, आपको भी वैल्यू डालनी पड़ेगी, तभी ये जो रिलेशनशिप है बिजनेसेस और कॉस्ट ऑडिटर्स का वो ज़्यादा अच्छे से चल पाएगा. सिर्फ कंप्लायंस के लिए हमको रिपोर्ट नहीं बनानी है, हमको हमारी वैल्यू खुद दिखाना पड़ेगा कंपनीज को. ठीक है ना? फिकी का कमेंट इंपॉर्टेंट है. आई नो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है हमको एज अ स्टूडेंट कि यार हम क्या कर रहे हैं, अब हमको ये कोर्स करना चाहिए कि नहीं. अगर बिजनेसेस इंडस्ट्रीज ऐसा बोल रहे हैं तो हमारी तो कोई वैल्यू नहीं होगी. देखो यार, सबको अपनी वैल्यू शो करनी पड़ती है. आप किसी भी और कोर्स में चले जाओ, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होती, वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज या बिजनेसेस आके कुछ नहीं बोलते. हर एक जगह, हर एक कोर्स के अंदर आपको अपनी वैल्यू शो करनी होती है, और यहाँ पे भी आपको शो करनी पड़ेगी. मेरा सजेशन है कि एज अ स्टूडेंट आप सीएमए अगर कर रहे हो तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा कोर्स है. एम्प्लॉयमेंट में तो वैसे भी टेंशन नहीं है, प्रैक्टिस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है. हर एक एरिया में प्रॉब्लम्स आती है, उनके सॉल्यूशंस के तरफ देखा जाता है, ना कि उससे भागने की कोशिश की जाती है. तो हमको भी ये कोर्स के अंदर रहना है और ये कोर्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, कॉस्ट ऑडिट को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, ताकि एट द एंड पूरे इंडस्ट्री में वैल्यू ऐड हो और हमारे अंदर एज अ कॉस्ट ऑडिटर वैल्यू ऐड. ठीक है? सो हमको एज अ स्टूडेंट अभी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. कॉस्ट अकाउंटिंग और OMSM के क्लासेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल CMA जंक्शन ज्वाइन कर लो, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे. और फाउंडेशन के रिजल्ट्स आ चुके हैं, सो आई होप आपके रिजल्ट्स बढ़िया आए हों. अगर नहीं निकला तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार और ट्राई कर सकते हो. ईजी है, आराम से हो जाएगा, बस कंसिस्टेंट रहना है आपको, है ना. और जो फाउंडेशन से इंटर में आ चुके हैं, वेलकम गाइस, CMA जंक्शन के साथ जुड़ने वाले हो आप सब, है ना. चलो, सो अगले वीडियो में मिलते हैं. टिल देन, हैप्पी लर्निंग.